झलक तुम बस ऐसे ही ऊंचाइयों को छूती रहो, ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन तुम इतनी बड़ी बन जाओगी कि उस हर एक इंसान को जवाब दे पाओगे जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया है। नमस्कार। आज से पहले बस एक ही बार यूं मंच पर आकर माइक हाथ में लिए मैंने कुछ बोला है। अगर आज मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये एड मुझे एक डांसर के रूप में दर्शाता है, पर डांस मेरे लिए सिर्फ डांस नहीं है बल्कि एक तरीका है स्वस्थ रहने का, खुश रहने का एक जरिया है। ये मेरी जिंदगी का पहला बड़ा मौका है, पर मैं हूं आज आप सबके सामने और इसका श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को जाता है और उनका नाम है अनिरुद्ध बोस जी। सृष्टि मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑर्गेनाइजेशन जब से शुरू हुआ है तब से ही इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस एड के जरिए ये बताना चाहते हैं कि ये हर एक को मौका देते हैं, फिर वो कोई भी हो, है ना? और शायद इसीलिए झनक का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि झनक एक नौकरानी है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर झनक। झनक, क्या आपने कभी सोचा था कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा? कितनी सारी मेड्स लोगों के घरों में काम कर रही है पर उनमें से किसी को भी ये मौका नहीं मिला, पर आपको मिला और इसके लिए आपने मिस्टर बोस को थैंक यू भी कहा। लेकिन फिर भी क्या आपने कभी सोचा था कि आपको ये मौका मिलेगा? और अब आपके आगे के क्या प्लान्स रहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या आप एक मेड ही बन के रह जाएंगी या यहां से एक नए करियर की शुरुआत होगी? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई थिंक आई गेट टू लिव अनदर डे लाइक दिस एवर इन माई लाइफ, राइट? I don't think so that I'll be able to live another day like this ever in my life. But I would like to go against Mrs. Srishti Mukherjee to say this. My mother was a great dancer. Meri maa ka naam Urvashi Raina और सृष्टि मुखर्जी जी मेरी मासी है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।